नूह जिले के आफताब अहमद ने किसान आंदोलन के साथ पड़ोस के गांव नहदा में हुए साहिब हत्याकांड को लेकर भी पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब उनकी सरकार आएगी तो साहिब के हत्यारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साहिब हत्याकांड में एक लंबा आंदोलन अनाज मंडी में चलाया गया, लेकिन उस समय आंदोलन में कुछ साथी आज उसी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं जिस पार्टी की सरकार में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर आफताब अहमद शाहजहांपुर बॉर्डर पलवल मेवात तथा गुड़गांव जिले में जहां किसानों का पड़ाव चल रहा है वहां पर अब तक समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस भाजपा को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। आप देखें नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमने अपना हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की अस्मिता को, इस देश की अखंडता को और देश की एकता को हमेशा बरकरार रखने का काम किया है और हमें इसके लिए कोई किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी की सनद की जरूरत नहीं है। आज हम आपके बीच में आए हैं साथियों, हमारे साथी राजस्थान से, उन्होंने भी आपके इस आंदोलन की रूपरेखा और इस आंदोलन को क्यों किया जा रहा है उसके बारे में आपको विस्तृत तौर पे बताया। आज हम भी आपके बीच में यहां उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने का मकसद यह है कि तीन काले कानून, देश जब एक तरफ जूझ रहा था कोरोना की मार से, ये मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार पूंजीपतियों को, किसानों को उनके डॉडी पे झुकाने का काम करने के लिए ये अध्यादेश लाई थी। और मैं ये कह सकता हूं दावे से, पहले अध्यादेश लाया गया फिर कानून को जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के लोकसभा और राज्यसभा में उसको पारित कराया गया, उस वक्त विरोध हुआ। लेकिन जब इंतहा हुई, किसान उठा, और मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि किसान वो ताकत है जो देश का नहीं दुनिया का पेट भरने का काम करता है। और जहां तक दुख तकलीफ की बात है, ये तो इसके चोली दामन का साथ है, इसे कभी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होता। और आज एक मंच पे आके हिंदुस्तान का तमाम किसान, हिंदुस्तान का अन्नदाता आज इकट्ठा होके एक मंच पे एक ही आवाज लगा रहा है कि पहले बार हम अपनी ताकत को संगठित कर सके हैं, हम पहली बार इतना अनुशासित, इतना लंबा आंदोलन बिना किसी अहिंसा के चलना, वो हमारे दुख दर्द को बयान करता है, हमारे दर्द को झलकाता है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हम भी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और हम आज आपके बीच में जब आए हैं, एक बात को कहने के लिए आए हैं साथियों, जब यह आंदोलन चल रहा था, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, हमने अपने तरीके से उसमें जो हमारी जिम्मेवारी आप लोगों ने आपकी नुमाइंदगी के तौर पे हमें थी, हमने उसके लिए बखूबी निभाने का काम किया, चाहे चंडीगढ़ की बात थी, चाहे अन्य किसी जिले। मेरे को खुशी इस बात की होती है कि सबसे पहले हम पलवल गए, हमारे पड़ोस में धरना था, वहां जाके हमने अपना समर्थन दिया। हम शाहजहांपुर बॉर्डर गए जहां अलवर जिले के लोग भी, हरियाणा के लोग भी वहां किसान भाइयों के साथ मिलके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। हम गुड़गांव भी गए जहां हमारे कुछ साथी जो है वहां किसानों के हक में अपना कर रहे थे। सबसे ज्यादा बड़ी आज खुशी मेरे को इस बात की हो रही है कि मौलाना साहब ने, रशीद साहब ने, उनके सभी साथियों ने मेवात का नाम भी उन सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि यहां से भी आंदोलन की लड़ाई जो है वो चल रही है। हमारे साथी भाई शेर मोहम्मद एक दिन अपने साथियों के साथ अलवर आए थे, हमें याद है उस दिन भाई रमजान ने हमें फोन करके कहा था, हम तीनों विधायकों ने उसी दिन फिरोजपुर झिरका में जाके और पुलिस से कह दिया था अपने होश में रहो,
हम किसानों के साथ हैं। अगर इनके साथ कुछ बात इनके साथ ना इंसाफी होगी तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के लिए मैं आज भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम आपके समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत जोर लगा रहा है, बीजेपी बहुत जोर लगा रही है। कभी तो किसानों की ताकत को, किसानों के अनुशासन को, किसानों की एकता को ये कहती है ये किसी के उकसाए हुए हैं, कभी हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये उकसाए हुए हैं। अरे मोदी जी, हम किसी के उकसाए हुए किसान नहीं हैं, हम आपके सताए हुए कानून के खिलाफ हम आए हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। आज कभी आंदोलन को नाम दिया जाता है खालिस्तानी का, कभी उग्रवाद का, कभी दूसरे नाम दिए जाते हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं किसान ने इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन आंदोलन बन गया और ये धर्म जाति भाषा और रंग भेद से ऊपर उठ के ये तमाम किसानों का आंदोलन है। और ये किसान आंदोलन अब इतनी ताकत बन चुका है कि जो इसके अनुरूप और जो इसकी भावना को नहीं समझेगा उसको ये झेलना पड़ेगा। आज मैं आपके बीच में इस बात को कह सकता हूं, अभी तो एक शुरुआत हुई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने जिले में हरियाणा का मुख्यमंत्री होते हुए जनसभा नहीं कर सका, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है, आप देख सकते हो। लेकिन इनके जो चेले हैं, इनके जो अनुयायी हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल नहीं रहा, ये अब ऐसा संगठन रह गया इसमें भक्ति होती है, वो एक दिन का उपवास रखते हैं कि हम SYL कर रहे। वो उपवास नहीं था, वो हमारे किसानों का उपहास था जिसके उन्होंने मजाक बनाया था। और ऐसे दलों को और ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाने का हमारे पास समय आएगा। मैं आज आपके बीच में एक बात कह सकता हूं, यहां हमारे पड़ोस में साहिब हत्याकांड हुआ था, आप सब लोगों ने, हमने मिलकर जमान साथी हैं यहां, एक बड़ा लंबा संघर्ष और अपनी गिरफ्तारियां तक दी थी। हम उस नाइंसाफी को भूले नहीं हैं, बेशक बीजेपी के दामन में जाके आज बहुत से नेता वहां बैठ गए हों जो उस वक्त जो है आपके आंदोलन में साथ रहते थे। हम आने पे ऐसे जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसका सजा उनको जरूर दिलाएंगे जिन्होंने हमारे साथ ये किया है। मैं आज आपके बीच में ये कहते हुए, हमारे भाई साहब खान ने और मैंने इनसे पहले कह दिया था कि अब ये कहीं इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भाई मैं अपने साथियों से और से कहूंगा, भाई ये किसी दल की और उसकी राजनीति की लड़ाई नहीं है। जितने मेरे साथी हैं, जितने आज हैं और लोग हैं, भाई रशीद कह रहे थे आप भी थोड़ा नरम रहो, चुनाव भी चल रहा है, ये सारे के सारे आपके बीच में आएंगे, जब ये जनता आ गई तो इनके पीछे पीछे ठोंडा भी आएंगे और सरपंच भी आएंगे और सारे चीज आते जाएंगे। मैं फिर से मौलाना साहब को, और क्योंकि जब मेवात का नाम आता है तो तबलीग का नाम और मौलानाओं का और हमारे आलिमों का नाम हमेशा आता रहेगा, और मील के मदरसे में भाई समय सिंह हमारे साथी हैं, इन्होंने कहा था, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। कल ही हम चंडीगढ़ में अपनी गिरफ्तारी, एक एक नहीं दो दो गिरफ्तारी दे के आज आपके बीच में आए हैं, इसी बात को दोहराने के लिए। हमारा आपका जो ये संघर्ष है, ये किसी किस साजिश में, किसी राजनीतिक चाल में या आपसी हमारे फूट में नहीं चलना चाहिए। ये लंबा चलेगा तो हमें लंबा मिलके इसके लिए पूरी अपनी ताकत लगानी है, जिससे कि इस निर्दयी सरकार को, इस गूंगी बहरी और इस अहंकारी सरकार को यह एहसास हो जाए कि किसानों की बात को मानने के बाद ही आज उससे हम निजात ला सकते, नहीं तो ये आंदोलन आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे अनुशासित और सबसे अहिंसक आंदोलन में शामिल होता जा रहा है और अपना इतिहास दर्ज कराएगा। ये सरकारें तो क्या चीज हैं, हमारे इलाके ने तो पूरे साम्राज्य के साम्राज्य बदल दिए हैं। इसलिए मैं इस बात को कहते हुए कि आप लोगों को अपना इतिहास को याद रखते हुए और नौजवानों से कहूंगा, आप अपने होश को, आप अपने जोश को काबू में रख के हमारे जो ये संचालन कर रहे हैं, हमारे जो ये नेतृत्व कर रहे हैं इस धरना का, इसके अनुरूप ही चल के इसको आगे तक, और इसको एक हमें
पूरा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इसको चला के रखने की जरूरत है। आप सब लोगों ने यहाँ, आप सब लोग, हमारे जिले में कहा जाता था कुछ साथियों ने कि भाई रहवासन में टोल लिया जा रहा है, हमारे साथी कल कुछ गए रहवासन में, अब हमने टोल हटवा दिया है, जिससे कि यह ताकत है किसान की कि हम आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन करेंगे अपनी जो हमें प्रजातंत्र ने इजाजत दी है, अपनी हम सीमा में रह के करेंगे, हम शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, हम अपनी ताकत जो है वो हमारी ताकत आप लोग हैं, आप भी इसमें शांतिप्रिय तरीके से मिलके इस आंदोलन को कामयाब होने तक इसका पूर्ण समर्थन रखिए, पूर्ण समर्थन रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भाई अभी जाए नहीं।